हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लाल बटन को दबा दें और हमारी फैमिली का दोस्तों हिस्सा बन जाएं, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हमें जल्द से जल्द हमारा 4K टारगेट है दोस्तों, तो 4K करवा दें, तो ये आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। तो बाकी जिन दोस्तों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब का बटन दबा दें। तो दोस्तों आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। जैसे कि दोस्तों पिछले व्लॉग में आपने देखा था हमारे के ब्लैक टेल जैपनीज की जो हमारी फ़ीमेल है, तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि वो फीमेल तो पहले से अंडा दे रही थी, लेकिन वो वाली दूसरी फीमेल है दोस्तों, ये देखें। इस फीमेल का मैं आपको बता रहा था, ये हमारे पास दो फीमेल है। ये जिसकी आंखें ख़राब है इसने अंडा दिया दोस्तों 5 मंथ बाद दिया था, वो पिछली तो देती ही है हमारे पास। तो इसका मैंने बताया था, अक्सर लोग पजल हो गए होंगे कि वो फीमेल तो अंडा दे रही थी लेकिन ये अब दो अंडे आ रही हैं, मतलब कैज से माशाल्लाह से। तो दोस्तों देखें आप, माशाल्लाह से परीजात को भी खोला है मैंने अभी। तो आज हम दोस्तों इसकी सेपरेशन कर लेंगे, क्योंकि हमारी कुकू फीमेल जो है इनके अंडे फर्टाइल नहीं आ रहे, क्योंकि ये मेल थोड़ा सा मतलब इसके अंदर मतलब ये है कि जो ब्लू के साथ जो लग रहे हैं दोस्तों पेयर, उसके साथ मतलब फर्टाइल आ रहे हैं अंडे, जो इस दफ़ा हमारे पास आए हैं माशाल्लाह से फर्टाइल हैं। लेकिन जब तक कुकू फीमेल इसके साथ थी और ये वाले अंडे आ रहे थे, तो इनके साथ से कोई मतलब इनकी फर्टिलिटी रेशो कोई भी नहीं थी दोस्तों, सब अंडे ख़राब ही जाते थे और खाली के खाली होते थे। तो आज मैंने सोचा क्यों ना दोस्तों इस दोनों कुकू फीमेल को हम अपने वाइट मेल के साथ लगा लें। आपको मैं दिखाता हूँ, ये वाइट मेल तो शुरू से मतलब फेवरेट भी है मेरा। नीचे जो हमने जंगली के साथ छोड़ा हुआ है वो थोड़ा सा छोटे कद के, ये हमारा हाइट में भी है कोचीन मेल है दोस्तों। इसको दोस्तों हम कुकू फीमेल के साथ बाहर निकालेंगे। तो रात को हम अब ऐसा करेंगे दोस्तों कि वाइट मेल को और दो कुकू फीमेल को बड़े उसमें छोड़ेंगे, और जो हमारा ब्लू है उसके साथ एक ही फीमेल है दोस्तों, वो इधर ही डब्बे में रात को अंदर ही मतलब उन्होंने रात ही गुजारनी है, रात बैठना ही है। तो वो क्योंकि पूरा दिन खुला फिरेंगे, इस वाइट को हम खुला तब नहीं छोड़ सकते दोस्तों अंदर, कि अंदर हमारे हैकर और शेरू भी हैं तो कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि ये इसकी तो आदत हो गई है, ये मतलब इधर ही घूमता फिरता रहता है। तो कुकू फीमेल को हम आज वाइट के साथ लगाएंगे। तो उससे पहले दोस्तों आपको मैं ये भी बता दूँ कि ये हमारी जो हैरी है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा शोर कर रही है आज सुबह, मतलब आज शायद इसके दिन नज़दीक हैं, क्योंकि पेयर इसका लगे हुए तकरीबन 12 दिन हो चुके हैं, क्योंकि शेरू से फर्स्ट टाइम पेयर लगा था मैंने, डेट याद की थी आई थिंक 12वां दिन है। तो जल्दी ये भी अंडा देगी। तो दोस्तों आप क्या मशवरा देते हैं कि जिस तरह हमारे पास असील के अंडे जो रखे हुए हैं हमने, मतलब छः या सात अंडे हैं, तो क्यों ना हम इंक्यूबेटर में रखते हैं। मुझे मतलब मेरा दिल कर रहा है इंक्यूबेटर में कहीं अंडे ख़राब ना हो जाएं, क्योंकि ये काफ़ी लेट अंडे दे रही है। तो मेरा तो एक्सपीरियंस ये है कि अंडे मैं जल्दी रख देता हूँ इंक्यूबेटर में। और जिस तरह हमारे कबूतर की हैचिंग मतलब मुकम्मल, आधा अंडा तो क्रैक हो चुका है, आधा और है, आज शाम को शायद दोनों चूज़े मतलब दोनों बेबी के जो दोनों जो पिजन के बेबी हैं वो बाहर आ जाएँ। तो इसके अलावा बटेरों के अंडे भी मतलब वो भी फर्टाइल है और माशाल्लाह से निकलने वाले हैचिंग। तो लाजमी मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि हम अपनी मतलब शेरनी के अंडे इंक्यूबेटर में रखें कि ना रखें। आप दोस्तों के मशवरे से ही अब चल रहे हैं, तो दोस्तों लाजमी बताइएगा कि अंडे अपनी जो ख़राब ना हो जाएं, लाजमी मुझे बताइएगा कि हम मतलब वैसे ही करेंगे। बाकी मामू भी देखें, तो काफ़ी दोस्त ये भी कहते हैं कमेंट्स में कि भाई मामू के साथ मामी लाएँ। तो दोस्तों ये हमारा जो मामू है ये थोड़ा सा मतलब नॉर्मली ऐसे कह लें, मतलब ये देखें आप इसके चलने का स्टाइल, ये कैसे भागता है, मतलब आगे से वो सर नीचे की होता है और पीछे से ऐसे ऊपर वो भागता चला जाता है। थोड़ा सा इसकी टांगों में थोड़ा फ़र्क है, इस वजह से इसका फीमेल लगाएं भी तो पैर नहीं लगाएगा दोस्तों। तो अभी मतलब ज़्यादा आपको भी इंतजार नहीं कराते तो मेरा दिल कर रहा है। देखें अंदर हमने ये भी चेक कर लेते हैं कि ये अंडे दे रही हैं, क्योंकि दोस्तों इन्होंने अंडे देना भी बंद कर दिया है। मैंने डमी अंडे अंदर रखे हुए हैं, देखें 3 अंडे अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी नहीं। अब हम वाइट मेल को इधर छोड़ेंगे ताकि हमारी कुकू फीमेल के साथ पेयर बने और अंडे भी फर्टाइल आएँ वाइट, जिस तरह काफ़ी लोगों की फरमाइश भी है, कमेंट्स भी करते रहते हैं कि काफ़ी अच्छे बच्चे आएंगे, तो हम वैसे ही करेंगे। इसको इसी की फीमेल देंगे ब्लू वाली। तो दोस्तों अब ऐसा करते हैं कि पहले मैं इनको मतलब ब्लू को बंद कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ये इसी तरह बंद हो जाए। वाइट मेल को हम पहले खुला छोड़ेंगे, पहले हम देखते हैं कि ब्लू मेल अंदर चला जाए और फीमेल भी अंदर चली जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन दोस्तों मैंने इन दोनों को बंद कर दिया और उनका आगे क्लिप भी लगा लेता हूँ, क्योंकि ये पेयर हमारा एक जगह, क्योंकि हमारे पास मेल काफ़ी एक्स्ट्रा है, तो ये क्योंकि इसकी फर्टिलिटी अच्छी है, ये ब्लू ही हैवी बफ आएंगे, ये हमारी कुकू की फीमेल है। अब मैं वाइट मेल पहले खोलता हूँ, ये देखें माशाल्लाह से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा काफ़ी दिनों से बंद है और काफ़ी एक्साइटेड भी है बाहर आने को। आज के बाद इसको कुकू फीमेल के साथ ही लगाएंगे, ये देखें माशाल्लाह से दोस्तों अभी देखें बाहर आएगा। ये देखें इसकी क्वालिटी देखें, अब इसकी दुम भी कितनी खूबसूरत हो चुकी है, और ये देखें माशाल्लाह से आप इसकी जान भी देखें और कितना खूबसूरत है। मतलब पहले बंद था तो इसका कलर थोड़ा थोड़ा दोस्तों गंदा हो चुका था और मतलब इतना खूबसूरत नहीं लग रहा था, लेकिन अब माशाल्लाह से दोस्तों मुझे लग रहा है कि अभी अच्छी क्वालिटी में आया। और इसके फेवरल्स भी देख लें और इसकी दुम देखें, मतलब फुल एक वाइट हैवी बफ जो मेल होता है वो अपनी क्वालिटी दिखा रहा है।
तो माशाल्लाह से ये दो फीमेल दोस्तों आपकी भी मतलब रिक्वेस्ट है कि भाई इसके साथ लगाएं, तो आज के बाद ये फीमेल इसी के साथ होंगी। काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़ीमेल भी काफ़ी बड़ी हैं और मेल भी, मेल का साइज़ भी बड़ा है, तो काफ़ी इनके साथ मतलब जजेगा भी और अच्छा भी लगेगा। तो मुझे ख़ुद मतलब काफ़ी ये मेरा दिल कर रहा था कि वाइट मेल को जल्द ही कुकू फीमेल के साथ लगाऊं, पर हमारे पास अंडे भी आए मतलब अच्छे, आगे बच्चे अच्छे हैं। तो अब इसकी दुम भी, पहले दोस्तों इसकी दुम इतनी ख़ास नहीं थी, अब मैं देख रहा हूँ इसकी दुम काफ़ी ज़्यादा मतलब पीछे से पार्शार इसने न्यू कलियाँ निकाली हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी हो गया है। तो कुकू फीमेल को थोड़ा इसकी तरफ उसको करते हैं क्योंकि अभी डर रही हैं ये फ़ीमेल काफ़ी ज़्यादा। देखें आप मतलब ये वाइट हैवी बफ जो होता है दोस्तों, ये बड़ा होता है, इसी में बेंटम, कुछ लोगों को ये मतलब फ़र्क नहीं पता होता कि भाई बेंटम कौन सा है और हैवी बफ कौन सा है, तो अक्सर वो बेंटम को भी बफ ही बोलते हैं। तो दोस्तों ये हैवी बफ होता है जो कोचीन में होता है, जो मतलब बिग ब्रीड में आता है, और वो हमारा जो मामू है दोस्तों ये शॉर्ट ब्रीड है, मतलब बेंटम इसे कहते हैं। तो स्मॉल साइज़ ज़ीरो साइज़ होता है, होता ये भी बफ है, इसको ज़ीरो साइज़ में ले लें तो ये बेंटम बन जाता है। तो ये देखिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा उधर करता हूँ ताकि ये अपनी फ़ीमेल के साथ दोस्तों चला जाए। ये इसकी कुकू की फ़ीमेल है दोस्तों, माशाल्लाह से आप हाइट भी देखें मेल की, मुझे काफ़ी ज़्यादा दोस्तों, एक मेरा ये फेवरेट मेल है, एक दोस्तों ब्लू जो परीजाद है हमारा, परीजाद मेरा फेवरेट है। तो इसका भी कोई नाम आप दोस्त रखना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताइएगा, हम अपने इस वाइट हैवी बफ का भी कोई अच्छा सा नाम हो, इसको मतलब किस नाम से पुकारे हैं, राजा से पुकारे हैं, कुछ आपको मैं हिंट्स देता रहता हूँ। बाकी कमेंट्स में आप दोस्त बताइएगा कि इस वाइट का हम क्या मतलब नाम रखें, तो वही नाम रखेंगे। तो आज के बाद दोस्तों ये हमारा वाइट मेल इन्हीं कुकू फीमेल के साथ रहेगा और इन्हीं के हमारे बच्चे आएंगे और देखेंगे कैसे आएंगे। इसके अलावा ब्लू के हमारे पास इस दफ़ा एक दो बच्चे आ रहे हैं, आपको मैं दिखाऊंगा, बड़े खूबसूरत कलर में आते होते हैं। एक दफ़ा उसके मतलब शुरू में फर्टिलिटी में दो बच्चे आए थे लेकिन वो एक्सपायर हो चुके थे। तो दोस्तों इसके अलावा मतलब हमारे जो कबूतर हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब किया हुआ है, वो अपने केज में डरबे में नहीं जा रहे जो हमने बाहर रखे, और हमारे मास्टर ट्रेन ऊपर से इतना ज़्यादा गंदा हो चुका है, मतलब उसके काफ़ी ज़्यादा ऊपर उन्होंने मतलब काफ़ी गंद, ऊपर ही बैठे रहते हैं और ऊपर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बीठे वगैरह कर लिए हैं। तो मैं आपको बाहर से शो भी करवाता हूँ और उन्हें कोई ऐसा तरीका दोस्तों बताएँ कि हम उन्हें मतलब ऐसे जाल में फंसा के उस डरबे में बंद कर दें, तो क्योंकि वो शाम को भी ऊपर ही बैठे रहते हैं और हम मास्टर ट्रेन के दरमियान में जा नहीं सकते, अगर फ्रंट पर हैं रात को तब पकड़ने होंगे। तो फीड भी डालते हैं दोस्तों, नीचे आते हैं खाते हैं फिर उठ जाते हैं। तो अब हम बाहर चलते हैं, आपको मैं दिखाता हूं कि किस तरह ऊपर बैठे हैं और पूरा दिन वैसे ही बैठे रहते हैं। तो दोस्तों हम बाहर आ चुके हैं, ये आप देखें पूरा मास्टर टेंट हमारा गंदा हो चुका है और बीठों से मतलब हर जगह बीठे ही बीठे हैं, कोई एक जगह भी आपको साफ़ नहीं नज़र आ रही होगी। ये पूरा दिन इधर ही बैठे रहते हैं दोस्तों, रात को ठंड में भी इधर होते हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी हो रही है कि ये नीचे मतलब इन्हें लाना चाहिए, इन्हें सर्दी लग जाएगी, ज़ुकाम बुखार हो जाएगा। तो आप देखें अभी भी सुस्त बैठे हुए हैं सारे, क्योंकि रात की काफ़ी ज़्यादा सर्दी इन पर पड़ती है। तो कोई ऐसा तरीका बताएं दोस्तों कि इनको हम नीचे उतार दें और डरबे में बंद कर दें, इन्हें आदत हो जाए अंदर जाने की, तो लाजमी बताइएगा दोस्तों कमेंट्स में, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फरमाइश पे मैंने ये अलग किया है। तो इसी तरह दोस्तों हमें सपोर्ट करते रहेगा, सब्सक्राइब करते रहेगा ताकि हमारी फैमिली में मज़ीद इजाफा होता रहे। आपकी दोस्तों सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कीजिएगा जो कि आपको लिंक शोर होगा, फेसबुक का भी आपको अक्सर मैं आपको बोलता रहता हूँ कि भाई मुझे वहाँ पर फॉलो करें। इसी तरह दोस्तों आपकी मतलब सपोर्ट की काफ़ी अशद ज़रूरत है, तो दुआ में मुझे याद रखिएगा दोस्तों। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में न्यू टॉपिक के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।